तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड बातें करी, ठीक है। इस पर्टिकुलर शेयर में हमने यहाँ पर कुछ महीनों पहले ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो एक बार देख लेते हैं। शुगर शेयर में गिरावट, इस शेयर को सीधा फायदा। तो यहाँ पर देखिए एथेनॉल से रिलेटेड हमने यहाँ पर दिया था, तो 9 महीने पहले हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में, है ना, हमने इससे रिलेटेड बातें करी थी, ठीक है। तो अब दोबारा इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, हमें पसंद आ रहा है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे ए टू जी सारी की सारी फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक तो डिस्क्लेमर है, ये शेयर मेरे पास है। दूसरी बात, मेरे कहने पर और कि इस वीडियो के बेस पे या कैसे भी आपको ये शेयर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और चीजों को सीखना है। दूसरी बात, हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को, और बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपके सामने पहुंच सके। सीखें, जितना सीखेंगे खुद ही यहाँ पर चीजें समझ में आएगी, और वीडियोस को जाके देखिए, जितनी वीडियोस को देखेंगे चीजें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर वीडियो में बात नहीं कर पाते। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है, बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल शेयर क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, कब भागते हैं, कब गिरते हैं, कब लेना है, कब बेचना है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगा ना, तो वही चीज हम बताते हैं, है ना। और 8868605017817, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपए होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वर्थ इट कोर्स है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रिलेटेड। कंपनी करती क्या है? देखिए, इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है ना, एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे डाइवर्स बिजनेस है एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन है। 1976 में यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। बात कर रहे हैं कंपनी एडिबल ऑयल से रिलेटेड, राइस मिलिंग से रिलेटेड, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी की ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वाइन से रिलेटेड काम है, ठीक है, रियल एस्टेट के बिजनेस में, और यहाँ पर हर सेक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये सेक्टर बूमिंग है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर एथेनॉल बनता है, ये रियल एस्टेट चल ही रहा है, एडिबल ऑयल्स और राइस मिल का यहाँ पर अच्छा खासा काम है। इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, तो अच्छा खासा काम है और हर जगह यहाँ पर कंपनी, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर हम बात करें अपने ईस्ट और नॉर्थ दोनों को यहाँ पर इसने कैप्चर करके रख रखा है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी का एडिबल ऑयल से रिलेटेड, वनस्पति से रिलेटेड यहाँ पर काम है, ठीक है, डिस्टिलरी से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, कॉटन सीड रिफाइंड ऑयल, ये सब बनाते हुए नजर आते हैं। बासमती राइस ये होम कुक के नाम से और व्हाइट गोल्ड एंड परमल के नाम से आते हुए नजर आते हैं। वनस्पति घी होम कुक एंड दू खजूर के नाम से इनका आता हुआ दिखाई देता है। लिकर की बात करें तो विस्की, जिन, रम, वोडका, है ना, ये इनके अंडर द ब्रांड अगर बात करें ये सब बनाते हैं। इसके नाम पे यहाँ पर रांझा सॉफी, है ना, पंजाब स्पेशल, कोजी ड्राई, रेड रॉयल, समर शेफ, और यहाँ पर बात करें असली संतरा, तो ये बात करें देशी विदेशी हर तरीके की यहाँ पर वाइन के उसमें भी है। तो अच्छा खासा काम है इनका, बिजनेस मॉडल यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपके इनकी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। पर 45 साल इस कंपनी को हो गए, है ना, 10+ यहाँ पर FMCG ब्रांड है इनके, 620 एम्प्लॉयज काम करते हैं और 4 प्रोडक्शन की फैसिलिटीज है, ठीक है। यहाँ पर इनके बिजनेस में जाओगे तो आपको एडिबल ऑयल से रिलेटेड, रियल एस्टेट, जो भी आप जानना चाहते हैं वो यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक आइडिया आता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की बात करें थोड़ा सा और, तो यहाँ पर पता चलेगा 1914 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। जो स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर एक हमारे चैनल का नाम है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है। दूसरी बात करें आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप की जब बात करूँ तो याद रखिए जब शेयर भागता है तो बड़ा मजे आते हैं कि शेयर कैसे 4 रुपए वाला शेयर 80 रुपए 60 रुपए होगा, बट जब गिरता है ना वो 80 रुपए वाला शेयर, जब यहाँ पर 40-50 रुपए 50-60-70% की वेल्थ आपसे खींच लेता है, ठीक है, कभी कभी 100% की भी खींच लेता है, तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए याद रखिएगा सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है ना, और वही चीज हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं अपने इस कोर्स में। शेयर क्यों भागते, क्यों गिरते, कब लेना है, कब बेचना है, वो इस कोर्स में इंक्लूड है, ठीक है। कोई नहीं बताता, मैं आपको बताऊंगा। पी की बात करें 20 का पी है, इंडस्ट्री का पी 34 का है, ठीक है, तो सस्ता नजर आता है, बट स्टिल पी के बेस पे काम नहीं करना है। पी आप किताबों में पढ़ेंगे, अलग
अलग तरीके से होगा, आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो अलग होगा। तो प्रैक्टिकल और इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो उस चीज को याद रखना है। आरओसी आरओई कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, बड़े लोग इस चीज को भी देख के पैसा लगाते हैं, बट ठीक ठाक है, इतनी बेकार भी नहीं है। 76% का डेट है, 4% के आसपास की प्लेजिंग है। बात करें 86 का इसने हाई बनाया है, 45 का 52 वीक लो बनाया है, और वहां से आप देखोगे 64 रुपए पे शेयर चल रहा है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। फेस की बात करें, फेस वैल्यू 1 की चल रही है इसकी, है ना, 66 की इंट्रेंसिक वैल्यू है, और उसी के आसपास यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ना तो महंगा है ना सस्ता है, इस चीज को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कंपनी के नंबर पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रही है ना, और यहाँ पर सारे सेगमेंट चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ देखिए 636 करोड़ की सेल्स है, जो कि ईयरली क्वार्टरली और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। ठीक है, बात करें और चीजों की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 25 करोड़ के आसपास का है, जो कि हाईएस्ट एवर ही कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, और चीजों की बात करें, कंपनी अच्छा खासा 8-10% का मार्जिन दिखा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 54% के आस 54 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर चीज समझ में आएगी कि कंपनी यहाँ पर ईयरली बेस पे जहाँ पर 600 करोड़ की सेल्स कर रही थी, धीरे 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 बढ़ के 2300 करोड़ की सेल्स पे आ गई है। ठीक है, ये चीज क्या बताती है, ये चीज बताती है कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के रीजन से भी एक बार पैसा लगाया जा सकता है। बट याद रखिएगा, मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर शेयर को नहीं लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और अपने आप को सीखना है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, चार्ट आपको क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में पैसा लगा सकते हैं। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, सब कुछ यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, 600 करोड़ के रिजर्व्स पहुंच गए। बोरिंग की बात करें, बोरिंग भी साथ साथ कंपनी की बढ़ रही है, 470 करोड़ की बोरिंग है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। ठीक है, इतनी बोरिंग साथ में नहीं होनी चाहिए, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी 37-37 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट पे कर किए जा रही है हर क्वार्टर। बात करें 10-11-7 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट दिए जा रही है। अब इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा, नेट प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए कंपनी को बोरिंग कम करने की जरूरत है, जो कि जो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में, 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। और कैश की बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी के पास लगभग 6 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खासा ओवरऑल हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल दिखाई देते हैं, बट एक डेट की यहाँ पर कंसर्न, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। यहाँ पर और चीजों से रिलेटेड बातें करें तो आपको समझ में आएगा, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स पहले 60% से 61 थे, 60 हुए, 56 हुए, और 56 से इस क्वार्टर में दोबारा हिस्सेदारी बढ़ा ली, 59 और 60 ही कह लीजिए यहाँ पर आ गए। इनमें भी बात करें तो इन 60 में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ प्रमोटर ने तो निकाला है, बट यहाँ पर सारा गर्ग ने लगभग 3.73% की यहाँ पर क्या हिस्सेदारी बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ी है, एफआई की हिस्सेदारी कम हुई है। पहले यहाँ पर ना के बराबर थे, तो उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई, 6% तक ले गए, अभी 5% के आसपास है। पब्लिक की बात करें, 35% की हिस्सेदारी है, उनमें भी एक आध नाम है जो कि यहाँ पर 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हिस्सेदारी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ना तो यहाँ पर ज्यादा बेचा गया है, ना ज्यादा यहाँ पर खरीदा गया है, उस चीज को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बल्कि प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदा है। और यहाँ पर अलॉटमेंट आता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर 3.87%, 3.87% है ना, यहाँ पर जून में, और फिर 13 जून को, फिर 4 जून को, ठीक है, इसके पहले 27 जनवरी को। तो अच्छी खासी यहाँ पर शेयरों में क्या हुआ है, यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आया है, कन्वर्टेबल वारंट्स आते हुए दिखाई दिए, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ शो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या बताते हैं, पॉजिटिविटी बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल से लेकर फंडामेंटल। हमें समझ में आया, फंडामेंटल दिखा रहा है कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, अच्छा खासा काम है, बट डेट का यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू नजर आता है। थोड़ा आगे बातें करते हैं टेक्निकल क्या कर रहा है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, वीडियो जाके देखिए, कोर्स जाके ज्वाइन करिए, साथ में काम करना है तो भी कर सकते हैं, नंबरों को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, BCL इंडस्ट्री शेयर ने टॉप बनाया, शेयर ने टॉप बनाने के बाद एक हाई बात करें तो लगातार यहाँ पर अब गिरावट हुई। ठीक है, गिरावट होने के बाद एक कंसोलिडेशन में स्टेज वन में शेयर चल रही है, और मुझे लग रहा है यहाँ से शायद एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, और शेयर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना, मैं क्या देख रहा हूँ उसके बेस में यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। क्या अभी लेना चाहिए, नहीं अभी नहीं लेना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, बिल्कुल। एक बार शेयर को 68 और 68-69 के लेवल को निकलने दीजिए, जैसे 68-69 का लेवल निकालेगा ये शेयर आपको
86 और 87 जो इसका प्रीवियस हाई था वहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। जब 89 के लेवल को निकालेगा तब एक छोटी सी रिस्क जरूर होगी, और वो रिस्क क्या होगी, लगभग 65 से या 64 रुपए के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। जब आप वो स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो आपको आपकी रिस्क कवर हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर मान के चलिए चीजें नीचे भी आ जाती है तो एटलीस्ट आपके पास पैसे बचेंगे, आपका थोड़ा सा ही नुकसान होगा, और वो नुकसान कितना होगा, मुश्किल से 4-5-6% का। अच्छे पैसे वो ही बनाता है जो डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस के साथ काम करता है पहली बार, या तो लॉन्ग टर्म के विजन से सोचता है कि ले लिया, फिर वो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है। और 10-15 साल में शायद एक बार चल भी जाए तो आपके पैसे वहां पर बन जाए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बट अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना है, जब आपके पास छोटे पैसे होते हैं ना तो आपको सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सेफ्टी के साथ काम करोगे तो अच्छे खासे पैसे उस टाइम बनते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म का आप छोड़ दो और फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाए, तो हर तरीके से सोच के यहाँ पर चलना पड़ता है, तो उस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो बात करें थोड़ा सा और आगे की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जैसे ही निकलेगी तो सबसे पहले तो 86 जो हमने बताया था, और फिर उसके बाद शायद ये शेयर आपको और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, 100 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सीधे सीधे हम बात करें तो लगभग 50 से लेके 70-80% तक की अपसाइड यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, बट इसमें टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बट यहाँ क्या शेयर मूव करते हुए नजर आ सकता है, बिल्कुल करते हुए नजर आता है आ सकता है, कंपनी मुझे लगता है कि और अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, और ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है शेयर भी भागेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, और बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, नंबरों को नोट कर लीजिए, काम कर लीजिए साथ में। साथ में यहाँ पर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जितना सीखोगे माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा तो लक्ष्मी माता भी साथ साथ आपके आई जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।